नमस्ते दोस्तों, आने वाला नया साल 2022 आप सबके लिए बहुत खुशियाँ लाए। दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी द नेहास डिवाइन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की। सेजिटेरियन वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, पहले हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ के हिसाब से उनका जो साल है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, पहले की बजाय, पिछले साल की बजाय इस साल उनकी हेल्थ में ज़्यादा सुधार दिख रहा और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। दोस्तों, उनकी नौकरी या बिजनेस की अगर बात है तो नौकरी में उनकी तरक्की बहुत होनी है, बहुत अच्छी तरक्की दिख रही है नौकरी के हिसाब से और नई अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। जो जॉब वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, उन्होंने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये साल उनका बहुत अच्छा जाने वाला है बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस में वो बहुत सारे जो उनके प्रोजेक्ट थे, जो काम रुके पड़े थे, वो इस साल उनके पूर्ण होंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की। लव और मैरिज के हिसाब से ये साल उनका अच्छा जाने वाला है, अच्छा रहेगा, लेकिन बाकी दूसरे रिश्ते में उनको फ़ायदा नहीं होगा। लव में आपका जो पार्टनर है वो आपको हेल्प करेगा, मैरिज में आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको हेल्प करेगा। यानी लव और मैरिज के हिसाब से उनके लिए काफ़ी अच्छा साल है, लेकिन बाकी के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ काम चलाऊ जैसे रहेंगे, उनमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे एजुकेशन की। एजुकेशन के हिसाब से ये साल उनका बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत सारे काम उनके कंप्लीट होंगे, उनके जो भी एग्ज़ाम्स रुके पड़े थे या कोई पेपर रह गया था वो भी क्लियर होगा। तो एग्ज़ाम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से धनुराशि वाले के लिए ये साल बहुत अच्छा है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी की। कोर्ट कचहरी वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, मेहनत करके ही उनको वो सफलता मिलेगी। धनुराशि के वालों को अगर कोई केस चल रहा है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से आपको वो सफलता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं फॉरेन की, यानी जो भी फॉरेन जाना चाहते हैं या जॉब के लिए सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उनको शाम दाम दंड भेद यानी कि स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, तब जा करके उनका काम बनेगा। अब हम बात करेंगे स्पेकुलेशन मार्केट की। स्पेकुलेशन मार्केट, उनमें जो भी इन्होंने अपने पैसे डाल रखे हैं या डालने वाले हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? वो मैच्योरिटी से डील करेंगे, जैसे SIP हो गया और क्रिप्टो करेंसी हो गई, इस तरह से जो भी इस लाइन में हैं, जो चाहते हैं अपनी ग्रोथ करना, वो बड़े मैच्योरिटी से काम करेंगे और उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि किस प्रकार पॉलिटिक्स रहेगी। जो भी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? तो पॉलिटिक्स में स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, 3-4 महीना उनके स्ट्रेसफुल रहेंगे और बाद में उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा पॉलिटिक्स में। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे एजुकेशन की, हमने बात की पॉलिटिक्स की बात की, अब हम अगर बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, कि एंटरटेनमेंट फील्ड में उनका कैसा रहेगा। जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्रीज़ में है या अगर कोई म्यूज़िक लाइन में है या कोई मीडिया से रिलेटेड कोई इस फील्ड में है, तो उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उनकी गाड़ी सिर्फ चलेगी, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा नहीं दिख रहा। अगर वो चाहते हैं कि उनका फ़ायदा हो तो वो क्या रेमेडी करें? या धनु राशि वाले, अगर उनका कोई काम रुका हुआ है, वो जैसी ग्रोथ चाहते हैं वैसी हो, वैसे धनु राशि वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है आने वाला, लेकिन फिर भी अगर कोई काम आपका रुका हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि आपका वो काम पूर्ण हो, तो आपको जो है हल्दी का सेवन करना है। आप खाने में थोड़ी सी हल्दी डाल करके खाएं, कच्ची हल्दी का सेवन करें और हल्दी का टीका लगाएं। थर्सडे को आप केले, बृहस्पति की पूजा करें, बृहस्पति यानी कि केले के, केले का पेड़ है, उसमें आप पानी डालें, तो आप देखेंगे कि जो भी आपका काम रुका हुआ है वो आपका बनने लग जाएगा। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा संभल करके, अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले सोच समझ लें और फिर अपना स्टेप उठाएं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
दूसरा, आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को इंजॉय करना है। आप हमेशा एक सीरियस मोड में चले जाते हैं, आपका सीरियस मूड हो जाता है। आप थोड़ा अपने दोस्तों के साथ खुले मिलें, इंजॉय करें, थोड़ा सा आप उनके साथ जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा और आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अगली राशि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।